Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में और आज की रॉ के एपिसोड के शो से हमको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली थी, जैसे कि जो टीम रॉ होती है सर्वाइवर सीरीज से वो फाइनली हमारे सामने आ चुकी है और क्या ये जो सारे बंदे हैं ये सेम पेज के ऊपर हैं या फिर ये आपस में ही लड़ मरेंगे, इसके बारे में हमको आज भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थिंग ये कि क्या रैंडी ओर्टन हारने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज से पहले WWE चैंपियनशिप और क्या रोमन रेंस वाले मैच के अंदर चेंज हो सकता है, तो बड़ी सारी कुछ अलग चीजें ने हमको शो से दिखाया जो प्रॉमिस किया था, ऐसा भी है कि वो शो के ऊपर नहीं था, तो क्या हुआ पूरे शो के ऊपर सारी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा है शो, था अच्छा था, बुरा था, वो सारी बातें। और गाइस आपको क्या करना है, हर बार की तरह आपको देखना है इस वाली वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है मिजन मॉरिसन के साथ में और यहाँ पर वो अपने बारे में बात करते हैं, मतलब जो उनकी तारीफें वगैरह वो सारी यहाँ पर चल रही होती हैं। और हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो आ जाते हैं रैंडी ओर्टन। अब क्योंकि यहाँ पर मिज के पास ब्रीफ केस है, रैंडी ओर्टन WWE चैंपियन है, तो आपको लग रहा होगा कि भाई कैश इन वाला सीन यहाँ पर बन सकता है, लेकिन गंगा उल्टी बह रही है क्योंकि WWE ने ऑलरेडी शो के मेन इवेंट के लिए मैच एडवर्टाइज कर दिया था, ड्रू मैकइंटायर एंड द न्यू डे वर्सेस रैंडी ओर्टन और उनके साथ मिजन मॉरिसन। तो यहाँ पर यह ऑब्वियसली क्योंकि आज इनको मैच में लड़ना है तो WWE अगेंस्ट नहीं दिखा सकती, थोड़ी बहुत हमको यहाँ पर बातें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो मिज है कैश इन करने की कोशिश करें। हालांकि मॉरिसन पूछते जरूर हैं कि क्या तुम आज कैश इन करोगे, तो मिज कहते हैं चलो हम देखेंगे बाद में। अब होता यह है कि इसके बाद यहाँ पर न्यू डे भी आ जाती है और न्यू डे कहती है कि क्या तुम चैंपियंस बनने की बात कर रहे हो, क्योंकि मिज एंड मॉरिसन ने यहाँ पर रॉ के टैग टीम चैंपियंस बनने की बात करी होती है, तो इस पर जो हमारी न्यू डे वो हंस रही होती है, मजाक उड़ा रही होती है मिजन मॉरिसन का। अब उनको क्या पता था यहाँ पर जो मजाक उड़ाना है वो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो रिंग में आते हैं रैंडी ओर्टन ने ज्यादा टाइम लिया नहीं और उन्होंने यहाँ पर कोफी किंगस्टन को आरकेओ लगा दिया, उसके बाद तो यहाँ पर पूरी ब्रॉल ही हो गई। ड्रू मैकइंटायर भी हमको यहाँ पर आते हुए दिखा देते हैं, हालांकि ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं क्योंकि मिजन मॉरिसन उनके पीछे भी चिपट गए और हम लोग देखते हैं कि मिजन मॉरिसन ने ड्रू मैकइंटायर को पकड़ा है और वो रैंडी ओर्टन की तरफ थ्रो करते हैं उनको और रैंडी ओर्टन ने यहाँ पर लगाया आरकेओ। तो इस तरीके से जो हमको ओपनिंग सेगमेंट देखने को मिलता है यहाँ पर जो हील वाली टीम है उनको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया और मतलब जिस तरीके से रैंडी ओर्टन बीच में खड़े हैं, मिज एंड मॉरिसन इधर उधर है, वो टीम भी देखकर काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इवेंचुअली हमको पता है कि मिज को तो प्रॉब्लम है रैंडी ओर्टन से क्योंकि उनके पास है WWE चैंपियनशिप। तो ये कुछ ओपनिंग थी और इसीलिए थी क्योंकि भाई मेन इवेंट के लिए मैच है तो ठीक ठाक सही मैं इसको बोलूंगा। और WWE ने तो प्रॉमिस किया था कि ड्रू मैकइंटायर आएंगे मोमेंट ऑफ ब्लिस के शो में, लेकिन वो चीज़ आज हमको शो पर देखने को ही नहीं मिली, तो मैं इससे बड़ा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि इस वाले सेगमेंट से मेरी काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन खैर हम लोग आगे चलते हैं और इसके बाद हमको देखने को मिलता है सर्वाइवर सीरीज के लिए क्वालिफाइंग मैच और इससे हमको पता लगता कि कौन है रॉ का आखिरी मेंबर और ये मैच था एलायस वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस मैट रिडल के बीच में। काफ़ी अच्छा है मैच था, मतलब जब भी हमको ट्रिपल थ्रेट वाले मैचेस देखने को मिलते हैं और थोड़ी भी यहाँ पर सुपरस्टार्स अच्छे हैं तो यहाँ पर मैच की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। जेफ हार्डी थे तो भाई उन्होंने तो इस मैच के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर कुछ ऐसा निकलता है जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि तीनों में से मुझे सबसे कम इसी के चांसेस लग रहे थे और वो थे मैट रिडल। मैट रिडल ने यहाँ पर जो है एंड में अपना ब्रो डायरेक्ट लगाया और इस तरीके से उन्होंने इस मैच में जो है जीत हासिल कर लिया, तो मैट रिडल फाइनल मेंबर होंगे। ड्रू मैकइंटायर होते तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन खैर मैट रिडल को अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन भाई उस अपॉर्चुनिटी का क्या फ़ायदा क्योंकि एंड में तो हमको पता है मैट रिडल का कचरा हो जाना है, तो इस तरीके से मैट रिडल ने यहाँ पर जो अपना स्पॉट है वो अर्न कर लिया है। बैक स्टेज के बाद हमको एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर ड्रू गुलाक एक तरीके से खुश हो रहे हैं कि हर्ट बिजनेस ने उनको जितवा दी 24/7 चैंपियनशिप, हालांकि यहाँ पर हर्ट बिजनेस ने इस बार पेल दिया ड्रू गुलाक को, आठ रोताया फायदा उठाया और वो बन गए हमारे न्यू 24/7 चैंपियन। तो ये तो भाई सीन चलता ही रहता है 24/7 चैंपियनशिप के साथ, लेकिन इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है लाना का सिंगल्स मैच अगेंस्ट शेना बेसलर। और यार लाना के साथ तो अगर आप देखो तो बड़ी ज्यादती हो रही है क्योंकि उनको ऐसे ऐसी जगह पर डाला जाता है जहाँ पर हमें पता है कि उनके पिटने के अलावा और कोई चीज़ उनके साथ होने नहीं वाली। बहुत इजीली यहाँ पर नाया जैक्स जो है, मतलब शेना बेसलर हमारी जो है नाया जैक्स के साथ मैच नहीं था, शेना बेसलर के साथ था और शेना बेसलर यहाँ पर इजीली इस मैच को जीत गई। और इसके बाद क्या काम बचता है नाया जैक्स का, काम तो एक ही है कि वो जो है अब लाना को पटकेंगी और जा रही होती हैं कमेंट्री टेबल के ऊपर पटकने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है मैंडी रोज एंड हमारी डेना ब्रुक होती हैं तो इस वजह से वो यहाँ पर बच गई, बैक से जाकर बाद में लाना थैंक यू भी किया। तो ये कुछ ऐसी चीज थी जो कि अभी लाना के लिए थोड़ी खुश होने वाली बात थी, लेकिन बाद में शो के लिए उनके जो है पिटाई बाकी थी। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं रॉ के सारे सर्वाइवर सीरीज के मेंबर्स। एजे स्टाइल्स आते हैं और वो
एक एक करके सबको बुलाते हैं। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, लास्ट वीक की बात हो रही है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, जो हमारे एजे स्टाइल्स है वो अपने आपको कैप्टन बता रहे हैं। मतलब अभी भी यहाँ पर जो बातें हैं वो सुलझ नहीं रही इनके बीच में। पता नहीं निकनेम दिए जा रहे हैं, एजे स्टाइल्स को नाम दिया जा रहा है, मैट रिडल को नाम दिया जा रहा है, कीथ ली को दिया जा रहा है, तो ये बड़ा अजीब सा ही था। यहाँ पर उन्होंने स्मैकडाउन की टीम के बारे में भी थोड़ी सी बात करी कि चलो इस बंदे को ये निपटा लेगा, इस बंदे को ये निपटा लेगा, मतलब वो स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर बना रहे होते हैं। लेकिन एजे स्टाइल्स क्योंकि मास्टरमाइंड चलाते हैं अपना, वो कहते हैं कि मैंने एक मैच का जुगाड़ लगवा लिया है और जो मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एजे स्टाइल्स खुद यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि वो मैच क्या बनाते हैं, शेमस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस मैट रिडल एंड कीथ ली के बीच में, जो कि एक टैग टीम मैच है। तो ये WWE कर क्या रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। और इससे हमको ये भी पता लगता है कि इन्वेजन वाले एंगल वाकई में शायद होने नहीं वाले हैं, क्योंकि ऐसा अब तो हमने देखा नहीं है कि भाई जो टीम है वो खुद ही आपस में लड़ रही है, तो हमको ये टैग टीम मैच देखने को मिलता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इन मैचेस, मतलब इस वजह से हमको अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज भी जो मैच था वो काफ़ी अच्छा था एंड स्पेशल गेस्ट रेफरी यहाँ पर हमारे एजे स्टाइल्स थे, तो मैच को देखने में काफ़ी मजा आया। बाकी मैच के रिजल्ट की बात करें तो आज शेमस मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगे, पहले भी लगे थे। हमको शेमस की तरफ से ब्रू किक देखने को मिलती है, कीथ ली को यहाँ पर उन्होंने लगाई और एंड में ब्रू किक तो उन्होंने लगाई, बट जो मैट रिडल है वो यहाँ पर फायदा उठा गए, उन्होंने शेमस को पिन कर दिया और इस तरीके से वो इस मैच को जीत चुके हैं। तो ये आज हमको देखने को मिलती है टीम रॉ की मीटिंग और उसके बाद मैच, जहां पर एजे स्टाइल्स तो बच रहे हैं, तो पता नहीं ये आगे होगा क्या, अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या ड्रामा रचने वाले, वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बट अगर ये स्मैकडाउन से लड़ने की ज्यादा बात करते तो मेरे ख्याल से वो चीज बढ़िया रहती, बट वो चीज हमको WWE दिखा नहीं पा रही है, दिखाना नहीं चाहती, वो तो मेरी समझ के बाहर है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है हर्ट बिजनेस का ग्रुप, जो कि रिंग में आता है और वो बात करता है कि कैसे सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन तो जीतने ही वाले हैं रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप। और उसके बाद बात करते हैं सैमी ज़ेन के साथ जो बॉबी लैशली का मैच होने वाला है, बॉबी लैशली वहां पर भी जीत जाएंगे। लेकिन यहां पर एक ऐसा बंदा आता है जिसको लगता है कि पता नहीं वो आज क्या कर जाएगा हर्ट बिजनेस के सामने, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती है, टाइटस होनी लाते हैं और वो यहां पर चैलेंज कर देते हैं बॉबी लैशली को, और ऐसा वैसा चैलेंज नहीं, चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं, जिसके बाद मैच भी होता है। और भाई क्या ही होगा, यहाँ पर हमको इजीली देखने को मिलता है कि जो बॉबी लैशली हैं उन्होंने अपना हर्ट लॉक लगा दिया टाइटस ओनील के ऊपर और इस तरीके से वो इस मैच को जीत गए। पता नहीं टाइटस ओनील यहाँ पर क्या सोचकर आए थे, लेकिन ये उनका बहुत ही गलत डिसीजन था। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है आस्का वर्सेस नाया जैक्स के बीच में एक नॉन टाइटल मैच, और ये मैच इसीलिए हो रहा था क्योंकि नाया जैक्स ने यहाँ पर ये कहा था कि चलो अभी तो नॉन टाइटल मैच है, लेकिन मैं बताऊंगी कि इस डिवीजन को चलाने वाली मैं हूँ और आस्का से मैं बेटर हूँ, भले वो रॉ वुमेन्स चैंपियन है। तो इनके बीच हमको मैच देखने को मिलता है और मैं कहूंगा कि ये मैच थोड़ा सा लंबा चला, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन के अंदर आपको बता दें मैचेस होते हैं बड़े ही छोटे छोटे से हो रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल शेर के साथ किसी क्या बोलते हैं चूहे को भिड़ा देंगे, तो वैसे मैचेस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर थोड़ा टक्कर का मैच था, लंबा चलता है एंड में आस्का ने अपना आस्का लॉक लगाया हुआ था नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बीच में शेना बेज़लर आ जाती हैं और यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से मैच का एंड हो गया, जिसके बाद नाया जैक्स एंड शेना बेज़लर ने तबाही भी मचा दी। और हमको यहाँ पर साइड में मैंडी रोज भी देखने को मिलती है, नाया जैक्स भी यहाँ पर होती है, मतलब सारे के सारे बंदे होते हैं। और फिर नाया जैक्स का जो काम है रॉक एपिसोड के लिए वो उन्होंने पूरा कर दिया, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, लाना को अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकने का। तो ये आठवीं बार हो रहा है शायद कि जो हमारी लाना है उनको पटका गया है अनाउंसर टेबल के ऊपर। मतलब यार ये WWE करती क्या है, मैंने आपको इसके बारे में सारी बैकस्टेज अपडेट दी है कि कैसे WWE आना को पुश कर रही है, एंड में जो है नाया जैक्स को भी पटका जाएगा टेबल के ऊपर, तो वो कब तक होगा क्या होगा उसके बारे में तो खैर आगे WWE जाने। लेकिन इसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, एक 7-way मैच, 7 जनों का मैच 24/7 चैंपियनशिप के लिए, बंदे भरे हुए हैं यहाँ पर, ट्रूथ हैं, टकर हैं, अकीरा टोजावा हैं, गुलाक हैं, एरिक हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और हमको क्या देखने को मिलता है इस मैच के अंदर कि कौन जीता चैंपियनशिप, भाई ये तो मैं कंफ्यूज भी हो गया, शायद अकीरा टोजावा जीते थे, लेकिन बाद में क्या होता है आर्ट्रूथ फिर चैंपियनशिप जीत जाते हैं। मतलब काफ़ी बार यहाँ पर टाइटल चेंज होते हैं, लेकिन एंड में जो हमारे आर्ट्रूथ हैं वही अपनी चैंपियनशिप को लेकर भागते हैं, तो पता नहीं क्या ही बोले यार इसके बारे में, कुछ भी चलता रहता 24/7 चैंपियनशिप के साथ। एक टाइम पर सही था जब अलग अलग जगहों पर टाइटल चेंज होते थे, लेकिन रिंग के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा कोई कॉमेडी या फिर मज़ा है नहीं। लेकिन नेक्स्ट मैच की बात करते हो तो यहां पर हमारे जो रेट्रीब्यूशन के लीडर हैं मुस्तफा अली उनका मैच था अगेंस्ट रिकोशे। और अगर आप इस टाइप के रेसलिंग के फैन हो जहां पर काफी हाई फ्लाइंग मूव्स होते हैं, इधर से आ रहा बंदा उधर से आ रहा, तो इस हिसाब से मैच आपके लिए बेस्ट होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये डिसेंट मैच था, लेकिन रिजल्ट क्योंकि यहां पर रेट्रीब्यूशन के मेंबर हैं, मतलब लीडर हैं मुस्तफा अली, तो ऑब्वियसली उन्हीं को पुश करना था और उन्होंने यहां पर जो है रिकोशे को इस मैच में हरा दिया। अब इससे पहले कि हम लोग मेन इवेंट पर आए, हमको बैकस्टेज क्या देखने को मिलता है कि एडम पियर्स रैंडी ओटन को आकर बताते हैं कि नेक्स्ट वीक तुमको अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना है, किसके अगेंस्ट, कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर। और ये बात सुनते ही रैंडी ओटन की
फट जाती है। वो एडम पियर्स को पकड़ के सीधा दीवार में घुसेड़ देते हैं और उनको ये वाला जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन खैर भाई जो है वो तो है। अब इसके बाद हमको देखने को मिलता है सिक्स मैन टैग टीम मैच, जो कि पहले ही WWE ने एडवर्टाइज किया हुआ था। ड्रू मैकइंटायर एंड उनके साथ यहाँ पर न्यू डे वर्सेस रैंडी ओर्टन मेजन मॉरिसन। अब सबसे पहले तो हमारा रैंडी ओर्टन सिक्स मैन टैग टीम मैच के अंदर है, लेकिन उनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, वही हील सुपरस्टार वाले टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर न्यू डे थी तो मैं इस हिसाब से कहूँगा कि जो मैच की रेसलिंग क्वालिटी है वो काफी अच्छी थी और सीधा एंड के ऊपर ही आ जाते। तो एंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि रैंडी ओर्टन रिंग में ही नहीं आना चाहते, मतलब ड्रू मैकइंटायर जैसे ही रिंग में लीगल मैन है वो टैग इन अपने आप को कर ही नहीं रहे हैं और ड्रू मैकइंटायर कह रहे हैं कि भाई आजा आजा, रैंडी ओर्टन नहीं आते और वो अपनी चैंपियनशिप को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि मॉरिसन बाहर कूद रहे हैं, न्यू डे बिजनेस संभाल रहे हैं और मिस भी यहां पर आते हैं जो कि एक तगड़ा स्पाइन बस्टर खाते हैं। और एंड में हमारे मॉरिसन और ड्रू मैकइंटायर होते हैं लीगल मैन और क्या ही भाई यहां पर बचना था। ड्रू मैकइंटायर ने लगाई अपनी क्लेमोर किक और इस तरीके से उन्होंने इस मैच में जो है मॉरिसन को पिन करके अपनी टीम को जिता दिया। रैंडी ओर्टन को ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, वो कह रहे हैं भाई हार गए तो हार गए, मेरे पास तो मेरी चैंपियनशिप है। और उसके बाद हमको इनके बीच एक स्टेयर डाउन भी देखने को मिलता है, जहां पर ड्रू मैकइंटायर की आंखें ऐसे बता रही थी कि नेक्स्ट वीक वो जो चैंपियनशिप है वो रैंडी ओर्टन के कंधों से ड्रू मैकइंटायर के कंधों पर आ सकती है। अब इतना तो है कि नेक्स्ट वीक का जो शो है रॉ का, उसके लिए एक्साइटमेंट काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज से पहले WWE झटके देने में भी माहिर है, कोई ना कोई बड़ा टाइटल चेंज होता है। और इमेजिन करो रैंडी ओर्टन के हाथ से चैंपियनशिप चली गई ड्रू मैकइंटायर के पास चली गई और उधर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रेंस का मैच सर्वाइवर सीरीज में, तो नेक्स्ट वीक का शो तो बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते। बाकी आज के शो की बात करें तो ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ बहुत ही अलग WWE ने करके दिखा दिया, मतलब एक तो वो फीड वाली चीज भी नहीं थी आज शो के ऊपर, तो वो भी मेरे को काफी मिसिंग लगी। तो 3 घंटे का शो यार एक तो लंबा भी होता है, तो इतना ज्यादा मैं कहूंगा नहीं कि आज इसको देखने में मजा आया। हाँ, कुछ कुछ मोमेंट थे जो कि अच्छे थे, बाकी ओवरऑल तो मैं ये जो पूरी रॉ है वो ऐसे ही चली। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में शो को आप लोग कितने स्टार्स दोगे। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक की बिना कहीं में जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहती है। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।